चुप। अरे घबराओ मत यार, एक्चुअली अपन फिल्म देख के आए। चुप। देखो भैया, जब ट्रेलर आया था ना, इसको देख के ही मैंने फिल्म को देखने का मन बना लिया था, और यकीन मानो मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही था। ये कहानी है मुंबई में घूम रहे एक सीरियल किलर की, जो फिल्म क्रिटिक्स को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है और मारने के बाद उनके माथे पर साइन बना रहा है। जैसा कि अक्सर हमने फिल्मों में देखा है, सीरियल किलर जो होते हैं मारने के बाद एक निशान छोड़ते हैं जिससे पता चले कि सारे कांड के डायरेक्टर भैया यही है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए भाई फिल्म देखनी पड़ेगी। बात करेंगे फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो बॉस फर्स्ट हाफ जो है बहुत ही कमाल का है, टाइट है, ऑसम है, मजा आएगा आपको देखने में। लेकिन वहीं बात करें अगर हम सेकंड हाफ की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का है, पर फिर भी आप चुपचाप होकर चुप मूवी को देखेंगे क्योंकि इतना भारीपन इस फिल्म में है। चीनी कम और पा जैसी मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर आर बाल्की साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और चुप फिल्म बना के इन्होंने अपनी हैट में एक और फैदर जोड़ लिया है, और ये इनकी मूवी बड़ी कमाल के होने वाली है जिसे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। फिल्म में यार जो वन लाइनर पंचेज है ना, वो कमाल के हैं, बहुत ही मतलब मजेदार हैं, जो तबाही मचाते हैं। यकीन मानो जो डायलॉग्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाले हैं। आप कहेंगे यार मतलब पैसा वसूल भाई। कमाल की सिनेमेटोग्राफी के लिए यार विशाल सिन्हा काबिले तारीफ है, और जिस तरह से थ्रिल सीन्स आते हैं और जब बीजीएम का इस्तेमाल किया जाता है यार, गूज बम्प्स आ जाते हैं, मतलब दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। चलिए बात करते हैं दोस्तों एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, किसने कैसा काम किया है। मैं बात करना चाहूंगा दुलकर सलमान के बारे में, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। इनके अगर आप फैन नहीं है तो बॉस इस फिल्म को देखने के बाद आप इनके फैन पक्का हो जाएंगे। एक्टिंग देख के यही कहेंगे यार इस लड़के को ना और हिंदी फिल्में दो यार। सनी पाजी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिनकी वजह से आपने ये फिल्म देखी होगी। दोस्तों बहुत लंबे टाइम बाद ये वापसी कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर इनका जलवा आज भी बरकरार है। शेर जैसी आवाज में जब ये डायलॉग्स बोलते हैं तो यार आप कहते हैं वाह, वो दौर याद आ गया जब सनी पाजी का जलवा हुआ करता था। मतलब फिल्म में बहुत ही अच्छे लगे हैं ये। श्रेया के बारे में बात कर लेते हैं, फिल्म में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों जितना भी रोल मिला है वो स्पेस के संग, उस रोल के संग इन्होंने पूरा पूरा जस्टिस किया है। पूजा भट्ट का रोल भी है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप एंजॉय करने वाले हैं थिएटर के अंदर इसको। फिल्म को अगर कम शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो यही कहूंगा, ये एक यूनिक फिल्म है, बढ़िया फिल्म है, मस्ट वॉच मूवी है, और गुरुदत्त साहब का जो इसमें टच है वो इस फिल्म को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। देखिए मैंने फिल्म देखी यार, मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपने देखी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं यस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। सो प्लीज डू इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।